हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल रामासर में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इनकम टैक्स न्यू रिक्रूटमेंट 2024 से रिलेटेड जानकारी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आयकर विभाग ने नया नोटिफिकेशन जारी करने के लिए एक नया नोटिस जारी किया है। उसी से रिलेटेड हम आप सभी के बीच में नई वैकेंसी डिटेल्स के बारे में संपूर्ण जानकारी लेकर के आए हैं। सबसे पहले आयकर विभाग की जो भर्ती आई है उसमें हम पदों का विवरण आपको दे दें कि टैक्स असिस्टेंस के 119 पदों पर यह वैकेंसी जारी की गई है, जबकि MTS अर्थात मल्टीटास्किंग स्टाफ के 137 पद हैं। वहीं स्टेनोग्राफर की बात करें तो कुल 18 पदों पर यह वैकेंसी जारी की जाने वाली है, जबकि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की बात करें तो कुल पदों की संख्या 14 निर्धारित की गई है। वहीं कैंटीन अटेंडेंट के भी पद हैं जिनमें 3 पद समावेशित किए गए हैं। इसके अलावा अगर हम बात कर लें इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के सैलरी के बारे में तो कुल 44,900 से लेकर के 142,500 रुपये पर मंथ की सैलरी निर्धारित की गई है। वहीं टैक्स असिस्टेंट की बात करें तो 25,500 रुपये से लेकर के 81,100 रुपये पर मंथ की सैलरी है, जबकि मल्टीटास्किंग स्टाफ की बात करें तो 18,000 से लेकर के 56,900 रुपये पर मंथ सैलरी निर्धारित की गई है। क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जानकारी दे दें आपको तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के जो पद हैं उसमें एनी डिसिप्लिन में ग्रेजुएट होना आवश्यक है, अर्थात आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। वहीं टैक्स असिस्टेंस के लिए भी स्नातक की डिग्री ही होनी चाहिए, जबकि उसमें टाइपिंग स्पीड भी रिक्वायर्ड है। इसके अलावा स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड की बात करें तो इसमें 12th पास निर्धारित किए गए हैं क्वालिफिकेशंस के लिए। वहीं मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 10th पास। ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो हम बात कर रहे हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, जिसमें एग्जामिनेशन अंडर किसके है तो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है ये। ऑल ओवर इंडिया किसी भी राज्य के निवासी इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसमें अलग अलग पद हैं जिसमें इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, मल्टीटास्किंग स्टाफ के पद हैं। हमने संपूर्ण 5 पद का डिस्कशन आपको पहले ही करा दिया है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम और अधिक आपको जानकारी प्रोवाइड करा दें तो ये जल्द ही वैकेंसी आ जाएगी। और अगर हम बात करें तो ये वैकेंसी है कर्नाटक के अंतर्गत, अर्थात कर्नाटक राज्य के ही मूल निवासियों के लिए यह वैकेंसी मुख्य रूप से सृजित की गई है, लेकिन आप किसी भी राज्य के निवासी इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। कर्नाटक राज्य की वैकेंसी रहेगी लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की है, इसलिए कर्नाटक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसको आयोजित कराएगा, लेकिन संपूर्ण भारतवर्ष के लोग इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।